बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक टास्क फोर्स की बैठक है, टास्क फोर्स की बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि अहम बात यह है कि इसी बैठक से तय होगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से बैठक ली गई थी, अधिकारी उसमें शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल थे, जो विपक्षी दल है वो भी सहयोग की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लॉकडाउन लगेगा महाराष्ट्र में, यह तय होगा इस बैठक से जो शुरू हो चुकी है। टास्क फोर्स की बैठक बताई जा रही है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, सीएम उद्धव ठाकरे बैठक ले रहे हैं। पर एक कोरोना पर बैठक, सभी दलों की बैठक होगी और ये बैठक बुलाई गई है राज्यपाल की तरफ से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ये बैठक बुलाई है जिसमें सभी दलों को बुलाया गया है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इस सबके बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि कोरोना पर अहम बैठक बुलाई गई है सभी दलों की, सब दलीय ये बैठक बुलाई गई है। और बताया जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और अब ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ये बैठक शुरू हो चुकी है राज्यपाल की तरफ से बुलाई गई सब दलीय बैठक में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई दलों की तरफ से भी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। लगातार पांचवें दिन भी नए केस की संख्या 50,000 के पार चली गई है। 24 घंटे में कोरोना के 55,411 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में कोरोना से 309 मरीजों की महाराष्ट्र में मौत हुई है और देश के कुल एक्टिव केस में से आधे महाराष्ट्र में हैं। कुल 5,36,000 एक्टिव केस हैं। सिर्फ पुणे में 9,864 केस हैं, मुंबई में 9,327 और पुणे में 9,864 एक्टिव केस हैं। आइए बिग वॉल पर चलते हैं। बिग वॉल पे फिर से एक बार आपको डेटा दिखाएंगे और फिर अपने एक्सपर्ट से और अपने सहयोगियों से इस बारे में बात करेंगे कि इन आंकड़ों को कैसे देखें। क्योंकि देखिए, एक बात तो बहुत अच्छी समझ आ दी हमें और डॉक्टर कॉल ने कि आप दूसरे देशों के कंपैरिजन में अगर करते हैं तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन भी देखिए, अमेरिका की आबादी और फिर टोटल नंबर, भारत की आबादी और फिर टोटल नंबर। पहले महाराष्ट्र का ब्रेकफेल कैसे हुआ ये देखिए, 24 घंटे की रिपोर्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। केस 55,411 सामने आए हैं, मौत 309 और जांच अगर देखें तो 2,19,000, करीब 2,20,000 लोगों की जांच हुई है। अभी क्या लागू किया गया है वहां पर कोरोना से बचने के लिए, क्या इंतजाम किए गए हैं? वीकेंड पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, शुक्रवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक। दूसरे दिन भी पूरे प्रदेश में सन्नाटा देखने को मिला। आज संडे है और पूरे प्रदेश में सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा डराने वाला है क्योंकि यह सन्नाटा और बढ़ सकता है। इसको लेकर एक बहुत अहम मीटिंग हुई है, कुछ भी हो सकता है, अश्विनी से पूछेंगे इस बारे में। प्रवासी श्रमिकों का पलायन जारी है और यह एक बार फिर दिखा रहा है कि कैसे आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जब चीजें नॉर्मल होंगी तो कब तक वो लोग आएंगे और देश की आर्थिक राजधानी इस मजदूरों के इस पलायन को कैसे झेलेगी। आइए आगे क्या हो सकता है, 8 से 15 दिनों का सख्त लॉकडाउन महाराष्ट्र में लग सकता है, ये अश्विनी से हम बात करते हैं। अभी आज से हो सकता है लॉकडाउन पर फाइनल फैसला, ये बहुत अहम जानकारी, बहुत अहम खबर जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, नहीं है तो भी रखनी चाहिए। बिना सूचना के लॉकडाउन पर हालात खराब होने की आशंका हो सकती है।